हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस पे स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमसे जो हो सकेगा हम अपने गेस्ट को गेस्ट पेपर से मिला के प्लस अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने अपने गेस्ट को गेस्ट पेपर से मिलाया, अपने अनुभव को साझा करते हुए हम आप लोगों के लिए अपने गेस्ट को और अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th स्टैंडर्ड कक्षा 10 की विद्यार्थियों के लिए है। और ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ये सर्किल से लिया गया है, वृत्त से लिया गया है। अब वृत्त क्या होता है आप जानते ही हैं, आप क्लास 10th से ही पढ़ते आए हैं। वृत्त क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त में क्या क्या होते हैं, ये सब आप जानते हैं। एक जो वृत्त होता है उसमें सेंटर होता है, वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त का व्यास होता है, ठीक। उसके बाद में अब आप जानते हैं वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं, और वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, त्रिज्या छेदा रेखा होती है, ढेर सारे मतलब जो हमारे सर्किल होते हैं उसके अंतर्गत उसके पार्ट होते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो सर्किल से लिया गया है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार प्राय जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार प्राय पूछे गए हैं। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम सीधे आपके टॉपिक पे आते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा जो टॉपिक है वो है किसी जो क्वेश्चन है हमारा जो थ्योरम है जो प्रमेय है, इस प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान से समझिएगा। प्रमेय हमारा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा टॉपिक है, ठीक है। ये थ्योरम है, ये हमारा प्रमेय है। तो थ्योरम हमारा क्या है, थ्योरम हमारा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वृत्त जानते हैं, वृत्त हमारा कैसा होगा, वृत्त हमारा एक सर्किल जैसा होगा, जैसे आपका रिंग हो गया गोल, या आपका कंगन हो गया, या चूड़ी हो गई, ये सब हमारे वृत्त के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक। वृत्त है, ये इसका सेंटर है, ये वृत्त है, ये सेंटर है। और मान लेते हैं ये हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक। इस स्पर्श रेखा को हम क्या मान लेते हैं, यल। यल स्पर्श रेखा है और ये हमारा केंद्र है ओ। अब प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हो गई स्पर्श बिंदु। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया स्पर्श बिंदु, इसको हमने मान लिया पी, ठीक। कुछ भी आप मान सकते हो, कोई कठिन नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, पी ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। ये पी है। अब स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई त्रिज्या, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है ये इस पर लंब है, लंब है मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब यही हमें प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ लिखेंगे दिया है या गिवेन, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं गिवेन, दिया है। क्या दिया है, सी ओ कामा आर में, सी मीन्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी मीन्स होता है सर्किल,
और ओ मीन्स होता है केंद्र और आर मीन्स होता है त्रिज्या, मतलब वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या आर है। या आप इसके जगह पे या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, या सी ओ कामा ओपी इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओ केंद्र है और ओपी त्रिज्या है, ठीक है। मैं क्या है डियर स्टूडेंट्स, मैं हमारा जो यल है मैं, ठीक है ना, मैं यल स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है तथा बिंदु पी, तथा बिंदु पी जो दिया है वही हमें लिखना है। बिंदु पी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, स्पर्श बिंदु है। पी हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है, वो केंद्र है, वो पी त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है। अब ये स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो हमारा ओपी है यल पे लंब है, ठीक है ना। यानी हमें सिद्ध करना है ओपी परपेंडिकुलर, ओपी परपेंडिकुलर पीएल, ओपी जो है ये पीएल पर क्या है, लंब है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ हम लिखते हैं रचना, थोड़ा यहाँ हम अपना दिमाग लगाते हैं रचना से, अभी दिमाग क्या लगेगा आप देखिएगा, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा और समझिएगा, आराम से समझ में आएगा। यहाँ हमने कोई पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पर हमने कोई पॉइंट क्या ले लिया, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट बी ले लिया, ठीक है, बी ले लिया। तो रचना से हमने क्या किया, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से, बिंदु चलिए इसको यार किया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा यल पर, ठीक, स्पर्श रेखा यल पर दो बिंदु ए व बी इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ठीक, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है ना। हमने इस पे पॉइंट ए पॉइंट बी इस प्रकार लिया कि ओ ए ओ बी के बराबर है, इतना तो अब आप समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी बराबर पी बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा यल पर दो बिंदु ए व बी इस प्रकार लिया कि ए पी बराबर पी बी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। मतलब आप क्या सोच सकते हो, ठीक है, जो पहले आप सोच सकते हो वही आप लिख दो, ठीक। तो हमने यहाँ यही लिया ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ही मिला दिया, ऐसे डॉट डॉट करके क्या किया, मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। तो डियर स्टूडेंट्स उपपत्ति में अब देखिए, अगर हम ये प्रूव कर ले जाए कि ये एंगल समान है तो हम आसानी से इसको 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो उपपत्ति में डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, हमें दो ट्रायंगल मिला, एक मिला एपीओ और एक मिला डीपीओ। यहाँ लिखिए उपपत्ति में, यहाँ लिखिए त्रिभुज या ट्रायंगल एपीओ तथा ट्रायंगल बीपीओ में, ठीक है, एपीओ तथा बीपीओ में। अब देखिए ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, यहाँ लिखिए रचना से, ठीक है ना। हमने पहले इसको रचना से इस प्रकार लिया है, हमने इसको कुछ किया नहीं, कोई डिस्टेंस लिया यहाँ ओ पे रख करके ऐसे चॉप लगाया, फिर इधर चॉप लगाया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, हो गया जितना डिस्टेंस ही रहेगा। क्या किया हमने, कोई डिस्टेंस लिया और डिस्टेंस लेने के बाद में ओ पे रख दिया, हमने लगड़ा प्रकार लिया जिसको कंपास बोलते हैं, पेंसिल लगाए और डिस्टेंस लिए, इस पॉइंट को पे रख के ऐसे इधर चाप लगाया, फिर इधर चाप लगाया, फिर ओ से इसको मिलाया, जितना ये होगा उतना ये होगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब, ठीक है। रचना से ओ ए बराबर ओ बी, ठीक, ये समझ गए आप कि नहीं समझ में आया,
समझ रहे होंगे। चलिए बहुत अच्छा, अब देखिए ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। उसके भी उसके बाद क्या होगा, ओपी बराबर ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है। वो देखिए ओपी जो है हमारा इस ट्राइंगल में भी है, समझ रहे हैं, और ओपी हमारा क्या है इस ट्राइंगल में भी है, ठीक है ना। तो जितना लंबाई इसमें होगा उतना लंबाई इसमें होगा, ओपी इज इक्वल टू ओपी। कैसे, क्योंकि क्या है, क्यों, क्योंकि कॉमन है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ या कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, इसको आप उभयनिष्ठ लिख सकते हैं या कॉमन लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद में, अब आप ये प्रमेय पढ़े होंगे, यदि एक ही आधार पर बने कोण समान होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई है ऐसे, और यहाँ कोई ऐसे बना है, और यहाँ कोई इस तरह से बना है, तो आप देखिए ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का ये भी होगा, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है इसके सामने का जो साइड है यही है, और ये जो एंगल है इसके भी सामने का साइड यही है, यानी दोनों एंगल इसी पे खड़े हैं, इसी पे स्टैंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा जो एंगल है, ठीक है ना, इसके सामने की साइड क्या है, एपी है, और इसके सामने का साइड भी क्या है, इसके सामने का भी साइड क्या है, ओपी है, इसके भी सामने का ओपी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ठीक है, एंगल ओ बी पी, क्यों, यहाँ लिखिए चूंकि एक ही आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, एक ही आधार पर बने कोण समान होते हैं, बने कोण क्या होते हैं, समान होते, ठीक है ना। ये हो गया हमारा रीजन, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, इतना ध्यान देना है, थ्योरम में हमें रीजन लिखना पड़ता है, बराबर है तो क्यों बराबर है, किस लिए बराबर है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये ओ ए बी मतलब ओ ए पी, सॉरी ओ ए पी है, ये ओ ए पी, ये एंगल इसके बराबर क्यों है, क्योंकि इसके सामने की भुजा ओ पी है और इसके सामने की भुजा ओ पी है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, जिसको कांग्रेंट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज की छह प्रॉपर्टी होती है, वो छह प्रॉपर्टी क्या है, आप इसको आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं, यस 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 ए यस 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 ए ए ए ए ए यस ए ए ए यस। तो ये छह प्रॉपर्टी, छह में से कोई भी एक प्रॉपर्टी मिलेगी तो त्रिभुज क्या होगा, बराबर होगा, मतलब सर्वांगसम होगा, ऐसे करेंगे तो बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यदि हम इस ट्रायंगल को ऐसे करें, ये एक पार्ट हमें ये मिलेगा, ठीक है ना, ये मिलेगा ओ पी ए, और इसको करोगे तो ये आपका ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, इसको आप ऐसे करोगे तो आपको एक ये मिलेगा ओ पी बी। अब ये स्टूडेंट्स देखिए, ये बराबर है इसके, तो मतलब ये वाला इस पर बैठ जाएगा, ठीक है ना, और ये वाला इस पर बैठेगा, और उसके बाद में ये कोण इस पे बैठेगा, तो ये कोण इस पे बैठने का मतलब हमारा बी यहाँ आ जाएगा, और ओ ओ पर जाएगा, पी पी पर जाएगा, मतलब ये भुजा इस पर बैठ जाएगी, ठीक है ना। कैसे बैठेगी, इस तरह से देखिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये भुजा आप समझिए, देखिए ये मेरे पास दो ट्रायंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये कोण इस कोण, ये जो कोण है इस कोण के इक्वल है। अब हमने इसको ऐसे रखा तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये वाला साइड ठीक है, ये वाला साइड इस पे बैठ गया, ये वाला इस पे बैठ गया, ये वाला इस पे बैठ गया, अर्थात ये कोण इस पे बैठेगा, इसका कोण इस पे बैठेगा, और ये कोण इस पे बैठेगा, ठीक उसी तरह से। तो अर्थात ये क्या हो गए, सर्वांगसम क्या हो गए, ये त्रिभुज हम कहेंगे जब ये बराबर बैठेगा तो हम कहेंगे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांगसम होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यहाँ लिखेंगे सो सीपीसीटी विथ, ठीक, अब सीपीसीटी का मतलब समझ ही रहे होंगे, सी फॉर कॉन्ग्रेट, पी फॉर प्रॉपर्टी, सी फॉर कॉन्ग्रेट, टी फॉर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा
फुल नेम हिंदी में लिखेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए आसान है। सीपीसीटी विद क्या, अब ये स्टूडेंट्स ये यस है, ये यस है, यस मीन साइड, भुजा भुजा कोण, भू भू को, इसको हम इंग्लिश में, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, भू भू को, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यस यस यस। ठीक, मतलब साइड साइड एंगल से हमें ये प्रूफ हो जाता है कि एंगल, ये ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल बीपीओ क्या होंगे, ये होंगे कॉन्ग्रेंट, क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब सिमिलर है और इसका मतलब बराबर, मतलब ये जैसे होंगे और बराबर होंगे। स्टूडेंट्स ये समझना बहुत जरूरी है, एक जैसा होना और बराबर होना अंतर होता है। एक जैसा होने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और एक 14 साल का बच्चा है, एक एक 6 साल का, एक 9 साल का बच्चा है, एक 14 साल का बच्चा है, तो वो एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास दो आंख है, उसके पास भी दो आंख है, उसके पास दो हाथ, उसके पास दो हाथ, उसके पास दो पैर, उसके पास दो पैर, तो हम कहेंगे दैट बॉय इज सिमिलर, बोथ बॉयज आर सिमिलर, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मतलब सिमिलर, वो सिमिलर, सिमिलर मीन्स जैसे, ठीक है। और बराबर मीन्स होता है बराबर, मतलब यदि उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये भी एक जैसा है, ठीक है, उनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा है, प्लस एक जैसा रूप रंग आकार है, तो हम कहेंगे वो सिमिलर भी है और बराबर भी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सिमिलर भी है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये इसके जैसा है, इसमें भी तीन भुजा है, इसमें भी तीन भुजा है, इसमें भी तीन कोण है, तीन कोण, ठीक है ना, इसमें भी तीन कोण है और इसमें भी तीन कोण है, तो ये इसके जैसा है, तो ये सिमिलर हो गया। अब देखिए, अब बराबर भी है, क्या है, बराबर भी है। इस तरह से यदि इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ऐसे हैं, इनको हम रखेंगे तो आप देखोगे क्या होंगे, ये बैठ जाएंगे, ये इस तरह से है ना, देखो इसी तरह से तो है, आप समझ सकते हैं ये किस तरह से है, इस तरह से है, इसी तरह से तो है, ये समझ रहे हैं ना। अब जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये क्या होंगे, बैठ गए, क्या हो गए, बैठ गए, मतलब क्या हुआ, देखिए आप, ये जो कोण है, कोण मतलब ये कोण, ये कोण, और आपका ये कोण, क्या हो रहा है, ये कोण इस कोण पे बैठ रहा, मतलब है ये कोण इस कोण, जब ये इसके सिमिलर बराबर हो जाएगा तो ये कोण इस कोण पे बैठ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ लिख देंगे सो, ठीक, जब ये इसके सर्वांगसम हो गया, सर्व अंग, सम मीन्स बराबर, सब अंग बराबर हो गए, तो डियर स्टूडेंट्स ओ ए पी ओ, एंगल ए पी ओ बराबर होगा एंगल बी पी ओ के, समझ रहे हैं ना। देखिए ये ऐसे ही तो है, आप एक बार फिर से देखिए, ये ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, ये ट्रायंगल जो है, अब यदि इसको हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ये वाला कोण इस कोण पे बैठ रहा है, मतलब ये कोण इस कोण पे बैठेगा, तो बैठने का मतलब ये कोण इस कोण के क्या हुआ, बराबर हुआ। अब देखिए यहां लिखिए, ठीक, इसलिए एंगल एपीओ, एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ बराबर क्या होगा, 180 होगा, क्यों 180 होगा, 180 क्यों होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये रेखीय युग्म बनाएंगे, ये 180 अंश बनेगा, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये अर्धगोला बनेगा, सेमी सर्किल, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक रेखा बनाएंगे, रेखीय कोण भी कह सकते हैं या रेखीय युग्म कह सकते हैं, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, रेखीय युग्म या सेमी सर्किल, अर्धवृत्त भी कह सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। चलिए हम रेखीय युग्म लिख देते हैं, क्यों 180 अंश होगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म है, क्या है, ये जो दोनों कोण है, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा, इसलिए रेखीय युग्म है। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। अब देखो ये इसके बराबर है, क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब इसके जगह पर इसको रखो या इसके जगह पर इसको रखो, तो एंगल ए पी ओ प्लस एंगल इसके जगह पर भी हमने क्या रख दिया, ये इसके बराबर है, तो ये भी हो गया एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ए पी ओ ए पी ओ तो क्या हो जाएगा, 2APO, क्या हो जाएगा, 2APO, यहाँ 1APO, यहाँ 1APO, तो 1APO 1APO तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल AP इक्वल टू हो जाएगा 180। अब ये मल्टीप्लाई है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 18, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें मिलके आया एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था कि ये इस पर क्या है, लंब है, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमें निकल के आया यहाँ 90 डिग्री, तो ये 90 है, तो ये भी हमारा 90 हो गया, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है। सो आई होप, हमें आशा है
कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। और हम बस आपसे यही चाहेंगे कि आप इसे खूब अच्छे से समझिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह की ये थ्योरम है। और हम जब हम मतलब इस चैप्टर के जब क्वेश्चन को कवर करेंगे, जब सर्किल के क्वेश्चन को लगाएंगे, तो थ्योरम बहुत मोस्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। और इसी थ्योरम, यदि आपको थ्योरम नहीं पता है तो मतलब आप चाहे सर्किल हो, ठीक, या इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो, यदि थ्योरम आपको नहीं पता है तो आप उसके क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। सो हम यही चाहेंगे आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अब हम आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है उसको आप देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटिव है डियर स्टूडेंट्स, और वो कई बार पूछा भी है, ठीक है, कई बार पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही छोटा है और पूछता रहता है ये आपका दो नंबर में या एक नंबर में। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत ही ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी है। वो जो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये प्रत्येक वर्ष इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और आप एक ही बार में समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ऐसे कोई सर्किल है, ठीक है, ऐसे कोई सर्किल है, यहां से कोई चार्ज ऐसे खींचा गया, ठीक है, और यहां से कोई चार्ज ऐसे खींचा गया, इसको हम, ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ठीक, ये सी है, ये डी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से इसका जो लेंथ है ये चार है और यहां से इसका लेंथ ये तीन है, ठीक है ना, ये जो जहां काट रहा है इसको हम पी मान लेते हैं। तो ए से पी का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और पी से डी का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, पी से डी का लेंथ डियर स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है सीपी, हमें निकालना है सीपी, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन, जब दो जीवाएं वृत्त के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में यह रूल होता है कि जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी एपी इंटू पीबी, एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू होगा सीपी इंटू पीडी, ठीक है ना, ये इंटू इतना इज इक्वल टू इतना इंटू इतना, ठीक है ना। तो एपी का वैल्यू क्या है डियर, एपी का वैल्यू है 4 और पीबी का कितना है, पीबी का है 3। सीपी, सी से पी का क्या है नहीं पता है, तो इसको हम सीपी ही रहने देंगे, और पी से डी का कितना है 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4 × 3 / 6 इक्वल टू हो जाएगा सीपी, इसको आप काट सकते हैं, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4। तो डियर स्टूडेंट्स, सीपी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 2 सेंटीमीटर, क्या निकल के आया, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहां हमने लिख दिया 4 × 3 = यहाँ क्या है सीपी, तो सीपी की जगह फिर 2 × 6, तो ये भी 12, ये भी 12, दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। या एक और देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये है, ये ऐसे आ रहा है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा सेंटर है, ठीक है, और ये हमारा जो है ये 2 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसका वैल्यू निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है, इसको हम 10 मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर, इसका कितना होगा, तो ये हमारा ये, चलिए इसको हम मान लेते हैं पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, इसको हम मान लेते हैं जहाँ काट रहा है ये टी, तो यहाँ भी वही हम लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा पी टी इंटू क्यू टी इज इक्वल टू आर टी इंटू एस टी, ठीक है। तो PT का वैल्यू कितना है, 5 है, QT का हमें निकालना है डियर स्टूडेंट्स, इसका निकालना है QT का, तो यहाँ हम QT ही लाने देंगे, और RT का वैल्यू कितना डियर स्टूडेंट्स, 2 है, और ST का कितना है, 10 है, तो 10 रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये मल्टीप्लाई है, और जब ये इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा Q
QT is equal to 2 into 10 upon 5, 5 to the 10. So dear students, QT is equal to 2 to the 4 centimeter. आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पक्का मानिए यदि आप इसको समझ गए। इस तरह का 2-4-6 क्वेश्चन अपने आप बनाकर आप लगाइए, आपके बुक में भी बहुत सारे दिए होंगे, एक्सरसाइज कर लीजिएगा। यदि आप इसको लगाना जान गए तो दो नंबर पक्का। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक तो आप देखेंगे ही, इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हम चाहेंगे आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे अपना प्यार जरूर दें। आप बस यही हम चाहेंगे कि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। थैंक यू, आप अपना प्यार अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।